कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज की एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हमें पांडा माउस प्रो से अपने मोबाइल में कीबोर्ड और माउस को लाकर फ्री फायर पबजी भी किसी भी गेम का गेम प्ले करना है तो सबसे पहले हमें पांडा माउस प्रो को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद हमें एक्टिवेट करना होता है, जब भी जो है हम अपने मोबाइल में कीबोर्ड और माउस से गेम प्ले कर पाते पीसी वाला। लेकिन गाइस, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि जैसे ही बंदा पांडा माउस प्रो को डाउनलोड करने लगता है तो क्या होता है कि उसकी जो फाइल है, जो पांडा माउस प्रो की जो फाइल है, उसमें रिस्क बताने लग जाता है। यानी जो है इसमें बहुत सारे वायरस है, ऐसा कुछ यहाँ पर कुछ इस प्रकार का शो करता है। तो इससे जो है बंदे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि मतलब पांडा माउस प्रो की फाइल में क्या बता रहा है कि यहाँ पर रिस्क बता रहा है। और यहाँ पर रिस्क क्यों बता रहा है, इसमें इतने सारे वायरसेस क्यों है और ये वायरस किस प्रकार से इसमें आते हैं और क्यों आपकी फाइल जो है रिस्की बताती है। इवन कभी कभी क्या होता है कि जो पांडा माउस प्रो को जो बंदा डाउनलोड फाइल कर लेता है, ठीक है, जिसकी फाइल भी डाउनलोड हो जाती है, उसका यहाँ पर कभी कभार तो इंस्टॉल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें वायरस, उसमें रिस्क इतना ज़्यादा रहता है कि वो जो एप्लीकेशन है वो आपके मोबाइल के लिए नहीं है, क्योंकि आपका मोबाइल जो एकदम सेफ है, ठीक है, फ्री है। लेकिन उसमें जब कोई अचानक से वायरस वाली फाइल आ जाती है, और एक आधी वायरस नहीं, पूरा भर भर के वायरस आ जाता है, तब जो है आपके पांडा माउस प्रो की फाइल यहाँ पर जो है डाउनलोड नहीं होती है। और जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा डर जाते हो और उदास भी हो जाते हो। डर इसलिए जाते हो क्योंकि भाई इस फाइल में इतना ज़्यादा वायरस है। और आप यहाँ पर निराश क्यों हो जाते हो, क्योंकि भाई हम पीसी जैसा गेम प्ले नहीं कर पाएंगे पांडा माउस प्रो एप्लीकेशन से। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है कि जो पांडा माउस प्रो की जो फाइल है अगर उसमें ऐसा रिस्क बता रहा है, उस पर यहाँ पर वायरसेस बता रहे हैं और आपके फ़ोन में डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरा बताऊंगा। तो उस सिचुएशन में आप सभी को क्या करना है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके कारण गाइस ये वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल हो जाता है। तो चलिए गाइस, अभी मैं आप सभी को बताता हूँ कि जब भी ये प्रॉब्लम आपके साथ हो तो आपको क्या करना है। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हर बार लाते रहते हैं यार, लेकिन आप लोग क्या लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो भाई, जो बंदा वीडियो को पहली बार देख रहा है या फिर अगर आप हमारा वीडियो देखते हो बट अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को एक लाइक करके, और जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करते हो बेल वाला आइकन भाई लोग जरूर प्रेस करते हैं। गाइस, मैं आप सभी को एक बात रियली बता रहा हूँ यार कि भाई वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। चलिए गाइस, करते हैं वीडियो को शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी हम सभी बात करते हैं कि जब भी आप पांडा माउस प्रो की फाइल या फिर पांडा माउस प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो उस एप्लीकेशन में इतना ज़्यादा रिस्क क्यों बताता है, क्यों आपके फ़ोन में डाउनलोड नहीं होता है और क्यों उसमें इतने वायरस कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, बड़ी अच्छी जानकारी देंगे आपको। तो देखो गाइस, जब भी आप क्या करते हो पांडा माउस प्रो की फाइल को या फिर पांडा माउस प्रो को डाउनलोड करते हो, सबसे पहली बात, अगर हम पांडा माउस प्रो को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो हमें यहाँ पर जो है कुछ रुपए को पे करना पड़ता है। लगभग 250 रुपये के आसपास हमें जो है यहाँ पर पे करना होता है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है पैड एप्लीकेशन है, ठीक है, इसे हम फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते प्ले स्टोर से। तो भाई, जब ये एप्लीकेशन पैड एप्लीकेशन है, इसके लिए अगर हमें 250 रुपये देना पड़ेंगे तो भाई देखो, यहाँ पर कोई भी बंदा जो है तैयार नहीं होगा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि कोई भी भाई अपने पैसे नहीं लगाना चाहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है एक ही चारा बचता है, एक ही रास्ता बचता है, जो कि है देसी जुगाड़ लगाना। देसी जुगाड़ मतलब क्या लगाना, कि वो बंदा जो है किसी भी तरह पांडा माउस प्रो की फाइल को डाउनलोड कर ले। तो आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर पांडा माउस प्रो की फाइल को डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो जैसे हम पांडा माउस प्रो की फाइल को डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड हो जाती है, और उसके बाद जब हम उसे इंस्टॉल करते हैं, जैसे गाइस हम इंस्टॉल करते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि आपका जो पांडा माउस प्रो यहाँ पर डाउनलोड नहीं होता है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा वायरस होता है, ठीक है। और गलती से अगर डाउनलोड हो भी जाता है तो आपके फ़ोन में जो है यहाँ पर बार बार अलर्ट वाला ऑप्शन देगा, अलर्ट करेगा आपको। क्यों? क्योंकि भाई उस जो पांडा माउस प्रो की जो फाइल है उसमें इतना ज़्यादा रिस्क है, इतना ज़्यादा वायरस है। तो अभी मैं बात करता हूँ कि वायरस आ कहाँ से जाता है, ठीक है। तो देखो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि पांडा माउस प्रो की फाइल जो है अगर हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है, हमने उसको डाउनलोड किया, अब भाई वो बंदा जो आपको पांडा माउस प्रो की फाइल दे रहा है उसने भी कहीं ना कहीं से डाउनलोड किया होगा, ठीक है। और जिस बंदे से उस बंदे ने फाइल लिया पांडा माउस प्रो की, उस बंदे ने भी कहीं ना कहीं से पांडा माउस प्रो की फाइल को डाउनलोड किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो उस प्ले स्टोर से डाउनलोड की, मतलब किसी बंदे ने तो प्ले स्टोर से डाउनलोड किया होगा, लेकिन उसी बंदे के जरिए उस पांडा माउस प्रो की फाइल पर फाइल बनती गई और वो फाइल जो है शेयर पर शेयर होती गई। यानी जैसे किसी बंदे ने अपने फ़ोन में पांडा माउस प्रो को डाउनलोड किया, ठीक है, उसकी उसने फाइल बना दी, फिर उसने आप लोगों को शेयर करी, तो जिस बंदे ने आप सभी को पांडा माउस प्रो की जो फाइल जो है शेयर की है, हो सकता है कि उसने भी फाइल बना के आपको शेयर करी हो। तो इस प्रकार जो है हर एक मोबाइल में क्या होता है कि वायरस ट्रांसफर होता जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी पांडा माउस प्रो की जो फाइल बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है, उसमें इतने ज़्यादा वायरस हो जाते हैं कि यहाँ पर उसे डाउनलोड करना मुश्किल हो जाता है। इस सिचुएशन में दोस्तों बात आती है यार कि फिर हम कैसे पांडा माउस प्रो को यूज़ करें, कैसे हम अपने सपने को पूरा करें यार, ताकि हम भी, हमारे पास जैसा पैसे नहीं है, हम पीसी नहीं परचेस कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी पीसी जैसा गेम प्ले अपने मोबाइल में कैसे कर पाएंगे कीबोर्ड और माउस को लगाकर।
तो देखो भाई, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर केवल दो रास्ते हैं। पहला रास्ता दोस्तों, या तो आप प्ले स्टोर से पांडा मास प्रो को डाउनलोड कर लो 250 रुपये पे करके। अगर आप रिस्क सहन करने को तैयार हो, अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो कि ठीक है हाँ मैं वायरस वाली फाइल अपने फ़ोन में चला लूँगा, तो आप पांडा मास प्रो की फाइल को डाउनलोड करके पांडा मास प्रो को यूज़ कर सकते हो। क्योंकि देखो भाई, क्या होता है कि बहुत सारे डिवाइसेस भी आते हैं जिन्हें आप अपने मोबाइल में कीबोर्ड और माउस को लगाकर इजी गेम प्ले कर सकते हैं, फ्री फायर पबजी किसी भी गेम का, ठीक है पीसी जैसा। लेकिन वो डिवाइसेस गाइस क्या होते हैं, कहीं 1900 के, मतलब डिवाइस जो है बहुत महंगे महंगे आते हैं और ये कंफर्म नहीं रहता कि वो डिवाइस हमारे फोन में वर्क करेगा भी या फिर नहीं करेगा। मान लो आपने डिवाइस तो परचेस कर लिया और अगर आपके फ़ोन में वो डिवाइस काम नहीं कर रहा तो फिर आपके पैसे डूब जाएंगे ना। वही बात है, पांडा मास प्रो में क्या होता है कि हम फाइल तो डाउनलोड कर लेते हैं चले या ना चले, हमारा यहाँ पर कम से कम नुकसान तो नहीं होता है। और ऐसा है ना कि पांडा मास प्रो वर्क नहीं करता है फोन में, 20% कुछ ऐसे मोबाइल्स होते हैं जिनमें वर्क नहीं करता है, बाकी पांडा मास प्रो हर एक मोबाइल में फोन में वर्क करता है। एंड उसका जो एप्लीकेशन है और जो सेंसिटिविटी है, यहाँ पे की मैपिंग है, इसका जो गेम प्ले, इसका जो मतलब पूरा मतलब पांडा मास प्रो गाइस बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। लेकिन गाइस अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो कि हाँ भाई मैं पांडा मास प्रो की फाइल को यूज़ करूँगा, रिस्क ले सकता हूँ, तो भाई आप पांडा मास प्रो की फाइल को डाउनलोड करके आप खेल सकते हो। अदरवाइज गाइस इसका एक सोल्यूशन और है मेरे पास कि आप ऑक्टोपस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। ऑक्टोपस एप्लीकेशन गाइस प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, वहाँ पर आपको कोई सा भी पैसा नहीं पे करना पड़ेगा और उस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप अपने फ़ोन में मोबाइल में कीबोर्ड और माउस को लगाकर गेम प्ले कर सकते हो पीसी जैसे। लेकिन उसमें एक शर्त यहाँ पर यह आती है कि आप उसमें अपना रियल आईडी नहीं चला सकते हो, और गलती से चला भी लेते हो तो कैसे उसमें आईडी बैंड होने का थोड़ा डर रहता है। हालांकि अगर आपको केवल गेम प्ले करना है कीबोर्ड माउस से पीसी जैसा, तो आप उसमें गेस्ट आईडी से चला सकते हो, लेकिन आप उसमें अपना रियल आईडी लॉगिन मत करना। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो है देखो 2-3 हज़ार रुपये का भाई कम से कम डिवाइस आते हैं, इतने महंगे महंगे डिवाइसेस आते हैं, तो आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो अगर मेरी मानो तो। अदरवाइज आप चाहते हो तो भी परचेस कर लो, लेकिन मेरी एडवाइस आप मत खरीदो, आप ऑक्टोपस एप्लीकेशन को ट्राई कर लो। और रिस्क से भी दोस्तों, जो आपकी फाइल जो रिस्क बताती है पांडा मास प्रो की, उसमें इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं रहता। और लगभग मेरे को यहाँ पर 1.5 साल हो गया है, ना तो मेरा मोबाइल का परफॉर्मेंस बिगड़ा है और ना ही मेरे को यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ रिस्क देखने को मिला है। हालांकि मेरे भी पांडा मास प्रो में मुझे यहाँ पर रिस्क बताता है, लेकिन उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हो, पांडा मास प्रो की फाइल को डाउनलोड करके प्ले करना चाहते हो अपने गेम में, ठीक है, यानी आप पांडा मास प्रो के जो भी रिस्क वगैरह वायरस वगैरह उसका आप फेस करने के लिए रेडी हो, तो आप पांडा मास प्रो की फाइल को डाउनलोड कर लो। तो यही थी आज की एक छोटी सी और नॉलेजफुल वीडियो, जिसमें मैंने पूरा ट्राई किया आप सभी को बताने का कि अगर आपकी फाइल में रिस्क बता रहा है आप क्या करो क्या ना करो। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर देना। जल्दी से यार भाई हमारे 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो यार भाई, जल्दी से हमारे जो 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है भाई जल्दी से कंप्लीट करवा दो। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी एक और नई इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय।